सर जो कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई है, कितनी गाड़ियां बरामद हुई है, कितने आरोपी है और क्या बैकग्राउंड है, क्या मोड़ विस्तार से? एक आरोपी है जो काफी दिनों से लगभग 2 साल से वाहन चोरी कर रहा था और ये हमारे क्राइम ब्रांच को पता चला और इसके बाद में उसके घर से लगभग 20 वाहन मिले हमको, मोटरसाइकिल्स मिले हैं। तो उसके बाद में जब हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके बाद में पता चला कि लगभग 111 इसने अभी तक वाहन चोरी किए थे और उसमें से हमने सभी लगभग बरामद किए और 85 FIR अभी तक दर्ज हुई है। और इसने इसके अलावा भी कोई वाहन ऐसे हैं जो इसमें बेचे हैं उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये काफी टाइम से कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि इसने 111 से ज्यादा वाहन इसने और भी चाहे चोरी किए होंगे बेचे होंगे। ये जो वाहन थे ये ग्रामीण भागों में इस तरह के वाहनों को बेच रहा था और वहां से जो हमारी रिकवर की है और ये कार्रवाई जो आगे इसी तरह से चलती रहेगी क्योंकि काफी वाहन यहाँ पे चोरी होते हैं या आसपास के जो सिटी है अमरावती है वहाँ भी इस तरह के हमने जो कम्युनिकेट उनसे किया उनके यहाँ भी इस तरह के होते हैं। तो आसपास कोई जहाँ भी होते हैं तो कोऑर्डिनेशन है क्योंकि कई बार जो है आरोपी यहाँ से लेके या तो ग्रामीण भाग में या वहाँ सिटी में भेजता है उसको, तो ये सब चीजें हम कोऑर्डिनेट करके बाकी जिलों से बाकी शहरों से बात करके इससे कार्रवाई सर किसी का माल है क्या तो महाराष्ट्र की गाड़ियां चुराता था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं लगी हुई है वहां से भी चुरा के लाता था? इसमें है 9 जिले जो है इसमें हमको 9 जिलों में गाड़ियां मिले जो अभी तक देखे हुई है गाड़ियाँ वो सब महाराष्ट्र की। सर उसकी क्या कीमत आनी चाहिए? 77 लाख से ज्यादा इसकी जो कीमत अभी तक आती है। तो ये लगभग 24 साल का है ये आरोपी और लगभग 12-12 क्लास का दे पाया है और इसका एजुकेशन बैकग्राउंड। क्या संख्या बढ़ सकती है सर? तो इसमें जो है या तो लॉक तोड़ के या फिर वो क्योंकि वो अभी पूरी तरह से बना रहा है तो ये डुप्लीकेट चाबी से भी उसको कई बार खोलता है। Thank you.